हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज इजी लर्निंग। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प करता है देन प्लीज लाइक माय वीडियो। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे चैनल के वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। और उसके साथ आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब के बटन के बगल में बेल का आइकन दिख रहा है, उस बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो बस इतना सा काम करना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए UBPCL और CCC के कंप्यूटर क्वेश्चंस का पार्ट 15 लाई हूँ, जिसमें मैंने पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट के और क्वेश्चंस कवर किए हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 14 बनाया था, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो आपको दिखाया था पावर पॉइंट का, और अब ये सेकेंड वीडियो है जिसमें मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में फाइल किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर की जाती थी। ठीक है, तो जो MS पावर पॉइंट का 2007 का वर्जन है, उसमें जो फाइल सेव होती है, आपकी प्रेजेंटेशन सेव होती है, वो .ppt एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। एक्सटेंशन का मीनिंग मैं आपको बता दूँ कि आपने कोई भी नेम दिया है अपनी प्रेजेंटेशन का, फॉर एग्जांपल वर्क आपने नेम दिया है, और आप इसको सेव करोगे तो आपका जो नेम होगा प्रेजेंटेशन का वो सेव होगा work.pptx। ठीक है, तो साथ में एक्सटेंशन ऐड होता है फाइल के नेम के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आइकन जिसमें सामान्य रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू, रीडू, ये सारे कमांड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं। सबसे ऊपर आपका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप ओपन करते हो MS पावर पॉइंट, उसमें सबसे ऊपर और लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिसमें आपके ये कमांड होते हैं सेव, अंडू और रूडू। आप ये सारी चीज़ें जब MS पावर पॉइंट ओपन करोगे तो उसमें आपको दिख जाएंगी, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में कॉर्नर में सेव, अंडू और रीडू के कमांड होते हैं, जिसमें लिखा नहीं होता है सेव, अंडू, रीडू, बट उसके सिम्बल्स बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कमांड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तथा उससे संबंधित विभिन्न फाइलों को एक साथ किसी फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क पर कॉपी करने के काम आती है। तो इससे बनी फाइलों को एक साथ फ्लॉपी डिस्क पर कॉपी करने के लिए जो कमांड होती है उसको बोलते हैं पैकेज फॉर CD कमांड, जिससे आपकी ये सारी PPT की फाइलें आपकी कॉपी हो सकती हैं हार्ड डिस्क या फ्लॉपी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में किसका उपयोग प्रेजेंटेशन में हैंडआउट या नोट्स पेज के ऊपर या स्लाइड हैंडआउट या नोट्स पेज के नीचे की ओर सूचनाएं जैसे स्लाइड संख्या, समय, तारीख, कंपनी के लोगों या प्रेजेंटेशन टाइटल, इन सब को रखने के लिए करते हैं। तो ये सारी जितनी इंफॉर्मेशंस हैं इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, कहाँ पर लिखते हैं, तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ये हेडर्स और फुटर्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। ऐसा कि मैंने आपको पहले बताया कि MS वर्ड जब आप बनाते हो उसमें भी आप हेडर और फुटर बनाते हो, तो हेडर और फुटर में क्या होता है, बस इन्फॉर्मेशन लिखी होती है जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी फाइल आप बना रहे हो उससे रिलेटेड। ठीक है, कितने पेजेस हैं आपके फाइल में, कंपनी के लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन या जिसके रिलेटेड है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डेट डाल सकते हो। तो हेडर फुटर, हेडर सबसे ऊपर होता है और फुटर सबसे नीचे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, पेज सेटअप कमांड होता है, इससे आप किन किन चीज़ों को बदल सकते हो, किन किन चीज़ों को बदला सकता है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं पेपर साइज, पेपर हाइट, ओरिएंटेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो पेज सेटअप कमांड से ये सारी चीज़ें ही चेंज की जा सकती हैं, पेपर का साइज भी चेंज किया जा सकता है, पेपर की हाइट भी चेंज की जा सकती है, पेपर का जो लेआउट होता है उसको ओरिएंटेशन ले वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। तो जो भी आप पावर पॉइंट में फाइल बनाते हो उसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यू में स्लाइड की छोटी छोटी तस्वीरें नज़र आती हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपकी स्लाइड होती है उसके दो व्यू होते हैं, एक नॉर्मल व्यू होता है और एक रीडिंग व्यू होता है। नॉर्मल व्यू होता है जो आप उसको बना रहे हो जैसे वो व्यू होता है। ठीक है, और रीडिंग व्यू में आप देखने के लिए होता है कि आप कैसे पढ़ोगे, पढ़ने में वो किस तरह से समझ में आएगा। ठीक है, और एक स्लाइड सॉर्टर व्यू भी होता है थर्ड। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू का मतलब क्या होता है कि जो उसमें आपको एक साथ सारी स्लाइड्स छोटी छोटी नज़र आ जाएंगी। नॉर्मल व्यू में एक टाइम पर एक ही स्लाइड आपको नज़र आएगी, पर स्लाइड सॉर्टर व्यू में सारी स्लाइड छोटी छोटी तस्वीरों में नज़र आएंगी और वो आपको आपकी स्क्रीन के नीचे राइट साइड पर कॉर्नर में दिखेगा, आप
क्लिक करो आइकन्स पे जो राइट साइड पे कॉर्नर में दिए हुए सबसे नीचे एमएस पावर पॉइंट में, उनमें आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू दिखेगा जिसमें चार छोटे छोटे खाने बने होंगे, वही आपका होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड में एनिमेशन का उपयोग करने के लिए किस टैब का उपयोग किया था? तो सबसे ऊपर होम का जो टैब होता है उसमें जितने सारे ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें एक ऑप्शन होता है एनिमेशन का, ठीक है। तो एनिमेशन को ऐड करने के लिए डायरेक्ट एनिमेशन का ही टैब दिया होता है, कुछ भी आपको डिफरेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइडों को रन करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? जहाँ बताया था मैंने आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है लास्ट में सबसे नीचे राइट साइड में कॉर्नर में, वही उसी के बगल में एक स्लाइड शो का भी ऑप्शन होता है टैब, ठीक है। तो आपने जब प्रेजेंटेशन बना ली है या फिर नहीं भी बनी है, आधी है, इनकम्प्लीट है, किसी भी टाइम पे आपको उसको रन करा के देखना है तो आप स्लाइड शो पे क्लिक करो तो वो रन हो जाएगी आपकी पीपीटी या फिर आप बोल सकते हो आपकी प्रेजेंटेशन, तो वो स्लाइड शो टैब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, किस टैब में बेसिक फॉर्मेटिक टूल्स होते हैं? तो बेसिक जो टूल्स होते हैं वो सारे, चाहे आप एमएस वर्ड करो या फिर एमएस एक्सेल करो या फिर एमएस पावर पॉइंट करो, सब में होम का टैब दिया होता है, उसमें सारे बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं, ठीक है। जो बेसिक जितनी भी फॉर्मेटिंग की जाती है आपके डॉक्यूमेंट, आपके फाइल या आपकी प्रेजेंटेशन में, तो होम टैब आप याद रखिएगा जिसमें बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिप बोर्ड के कंटेंट को विशेष फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? देखिए, आपने कुछ भी कॉपी किया है उसको आपको पेस्ट करना है, तो एक पेस्ट में दो ऑप्शन होते हैं, आप सिंपल पेस्ट को क्लिक कर दो तो जो आपने जैसे कॉपी किया है एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगा, और आपको किसी स्पेशल फॉर्मेट में पेस्ट करना है तो उसी के लिए उसमें पेस्ट स्पेशल का भी ऑप्शन उसी में होता है, तो वो आपको ऑप्शंस देगा। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करोगे तो वो पूरी विंडो खुल जाएगी छोटी सी, जिसमें आपको देगा कि किस किस फॉर्मेट में आप पेस्ट कर सकते हो किस तरह से, और आप उसको चूज़ कर लो, उस पर क्लिक कर दो, ओके कर दो, तो उसी एग्जैक्ट फॉर्मेट में वो पेस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड की सहायता से चुने हुए ऑब्जेक्ट की दूसरी प्रतिलिप तैयार की जा सकती है? तो प्रतिलिप आपको समझ में आ रहा है कॉपी, मतलब सेम कॉपी आपको तैयार करनी है, तो इसके लिए डुप्लीकेट कमांड होता है जिससे आप सेम ऑब्जेक्ट की दूसरी एक कॉपी तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीट कमांड द्वारा किस प्रकार की स्लाइड को हटाया जा सकता है? ठीक है, अगर आपने डिलीट कमांड डिलीट स्लाइड पर क्लिक किया या डिलीट बटन पर क्लिक किया जिससे, तो आपकी कौन सी स्लाइड हट जाएगी, रिमूव होगी? तो इसका आंसर ये होगा कि जिस स्लाइड पे एग्जैक्ट आपका कर्सर है, जो एग्जैक्ट सेलेक्टेड करंट स्लाइड है, वही स्लाइड आपकी डिलीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन के बॉटम पर स्थित किस पर प्रदर्शित बटनों पर क्लिक करके प्रेजेंटेशन व्यू को बदल सकते हैं? ठीक है, तो मतलब प्रेजेंटेशन का जो व्यू चल रहा है, मैंने आपको बताया था तीन व्यू बताए थे, नॉर्मल व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, तो ये सारे कहाँ पर होते हैं? नीचे जो आपकी लाइन होती है उसको बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है, जिसमें आपकी नीचे सबसे लास्ट में पूरी एमएस पावर पॉइंट के सबसे आखिरी नीचे जो टैब दिया होता है जिसमें तीन चार बटन्स होती हैं उसको बोलते हैं स्टेटस बार। उसमें आपकी स्लाइड शो की बटन होती है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है, रीडिंग व्यू होता है, तो स्टेटस बार पर ही वो सारी चीज़ें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्नलिखित एप्लीकेशन प्रोग्राम का हिस्सा है? तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम का हिस्सा है। तो बेसिकली एमएस पावर पॉइंट एमएस ऑफिस का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यू में स्लाइड की एडिटिंग, टाइपिंग तथा फॉर्मेटिंग की जा सकती है? तो ये भी मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आपको स्लाइड में एडिटिंग करनी है, टाइपिंग फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, तो वो आप नॉर्मल व्यू में ही चेंज कर सकते हो। रीडिंग व्यू में जाके आप उसकी एडिटिंग नहीं कर सकते, वो आप उसको रीड करने के उसमें देख सकते हो, स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी आप उसको देख सकते हो, पर चेंज करना है तो आप नॉर्मल व्यू में ही चेंज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? आपको नई स्लाइड इंसर्ट करनी है, आपने एक स्लाइड बनाई, तो आपको न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए बताया था मैंने, होम टैब होता है सबसे ऊपर जिसमें बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं, उसमें इंसर्ट का बटन होता है, इंसर्ट पर क्लिक करके आप नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो, या फिर एक ऑप्शन होता है न्यू स्लाइड का, ठीक है, उस पर क्लिक करके भी आप न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का, कंट्रोल प्लस एम एक साथ प्रेस करोगे, ये शॉर्टकट की होती है, इससे भी आप न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। जिस स्लाइड पर आप इस टाइम पर काम कर रहे हो, आपने न्यू स्लाइड जैसे ही क्लिक किया तो उसी के बाद, जस्ट उसी के बाद दूसरी स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड फ्रॉम कमांड द्वारा प्रेजेंटेशन में क्या इंसर्ट किया सकता है। तो ये जो कमांड होती है स्लाइड फ्रॉम, इससे आप कोई दूसरी फाइल इंसर्ट कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दूसरी एप्लीकेशन में बनी फाइल को वर्तमान प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करने की कमांड कौन सी होती है। अभी तो आपने मैंने बताया था कि आप दूसरी फाइल को इंसर्ट करें तो स्लाइड फ्रॉम है। अब ये दूसरी एप्लीकेशन में बनी फाइल है, MS पावर पॉइंट में नहीं, हो सकता है कि MS वर्ड में बनी फाइल हो। तो दूसरी बनी फाइल को अगर आपको इंसर्ट करना है इमेज, उसको आपको अगर अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करना है तो उसके लिए होती है स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। ठीक है, इससे आप दूसरी एप्लीकेशन में बनी फाइल को भी वर्तमान प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हो। तो अगर कुछ भी इंसर्ट करना है तो बेसिकली होम टैब में इंसर्ट पे जाना है। होम टैब में जाओगे उसमें इंसर्ट की बटन होगी, उसमें आपको सारे ऑप्शंस दिए होंगे क्या क्या इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप फिर आपको उसमें अदर ऑप्शन मिलेंगे, आपको इमेज इंसर्ट करनी है, टेबल इंसर्ट करनी है, आपको जो भी इंसर्ट करना है स्लाइड इंसर्ट करनी है। ठीक है, फिर आप उसी के अंदर में ऑप्शन में जाते रहोगे, आपको पूरी वैरायटी मिलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड में टेबल जोड़ने की कमांड क्या होती है। तो वही मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन की तरह, टेबल की कमांड तो है पर आपको जाना कहाँ है। सबसे पहले होम टैब है सबसे ऊपर, उसमें इंसर्ट की बटन होती है, इंसर्ट पर क्लिक करना है, आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें एक टेबल का ऑप्शन होगा, टेबल पर क्लिक करोगे तब आप टेबल ऐड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कमांड में फाइल को खोलने, सेव करने, प्रिंट करने और बंद करने की कमांड होती है। तो सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा लेफ्ट में कॉर्नर में ऑफिस बटन होती है, जिसमें आपके सारे कमांड होते हैं सेव करने का, प्रिंट करने का और बंद करने का। मतलब ओपन करना है, सेव करना है, प्रिंट करना है या क्लोज करना है, ये सारे ऑफिस बटन में कमांड होते हैं। वो ऑफिस, MS ऑफिस का जो आइकन होता है उसी की तरह की, सेम वैसे ही होती है ऑफिस बटन लेफ्ट कॉर्नर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चुने हुए टेक्स्ट के कैरेक्टर फॉर्मेट को बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो जो फॉन्ट कमांड होता है, आप राइट क्लिक करोगे उसमें आपको फॉन्ट का कमांड मिलेगा। फॉन्ट कमांड जो होता है उससे आप कैरेक्टर फॉर्मेट को बदल सकते हो किसी भी टेक्स्ट के। ठीक है, कौन सा फॉन्ट आपको चूज़ करना है, फॉन्ट में सारा आएगा उस टेबल विंडो में, तो आप उससे बदल सकते हो। पहले आप फॉन्ट पे जाओगे, क्लिक करोगे, फिर इसमें सारे फॉन्ट दिए होंगे, जिस फॉन्ट पे करना है उस फॉन्ट पे क्लिक करना है, ओके करना है, तो आपके टेक्स्ट का फॉन्ट बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड का लेआउट बदलने की कमांड कौन सी होती है। तो ये सिंपल लेआउट नाम से ही होम टैब में कमांड होती है। होम में जाओगे, लेआउट दी होगी, उसमें आपको डिफरेंट लेआउट जो आप चूज़ करना चाहते हो वो चूज़ कर सकते हो क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट व स्वरूप को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन होता है आपके MS पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड बनाने का। आप चाहो तो मास्टर स्लाइड बनाओ या ना भी बनाओ, ऐसा नहीं है। तो मास्टर स्लाइड जो होती है वो सबके टाइटल और टेक्स्ट फॉर्मेट और स्वरूप को नियंत्रित करती है, निर्धारित करती है। अगर आपने एक मास्टर स्लाइड बना दी और इसमें एक टाइटल दे दिया, ठीक है ना, और फॉर्मेट दे दिया कि हाँ ये है, तो वो सब में एक ही टाइटल फॉर्मेट लेकर चलेगी। जैसे आपने मास्टर में दे दिया है, बाकी सारे में आप दो ना दो, वो उसमें ऑटोमेटिक ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनों के बीच की जगह को व्यवस्थित करने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन होता है, ये आपका MS वर्ड में भी है। ठीक है, तो इससे क्या करते हो, आपकी दो लाइनों के बीच में जितनी स्पेसिंग है वो कंट्रोल की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में स्लाइड के डिज़ाइन किस टैब द्वारा तैयार की जाती है। तो इसके लिए सिंपल एक ऑप्शन होता है, डिज़ाइन का ही टैब होता है। और ये कहाँ पर होता है मैं आपको बता रही हूँ, होम में जो बेसिक सारे टूल्स होते हैं उसमें डिज़ाइन नाम का ही होता है, डिज़ाइन लिखा भी होता है, उस पर क्लिक करोगे तो जिससे आपकी कितनी आपकी जो स्लाइड है वो आप किस किस डिज़ाइन में रख सकते हो, सारे डिज़ाइन आ जाएंगे। आप किसी भी डिज़ाइन पर क्लिक करो, दिखेगा कि आपको ये स्लाइड इस डिज़ाइन में कैसे दिखती है। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब उसको ही अप्लाई करो, आप एक बार उस पर कर्सर ले जाओ तो पता चल जाएगा कि किस तरह की इस डिज़ाइन में दिखेगी, दूसरी बार कर्सर ले जाओ कि दूसरी तरह की उस डिज़ाइन में दिखेगी। ठीक है, फिर अगर आप उस पर क्लिक कर दोगे तो वो डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कमांड पावर पॉइंट में बनाई गई प्रस्तुति का आकार उपस्थित विंडो के आकार के अनुसार व्यवस्थित करती है। ठीक है, ये कमांड होती है फिट टू पेज, आपको पेज के अकॉर्डिंग फिट करना है। ठीक है, तो ये करती क्या है, जो प्रेजेंटेशन का आकार है उस विंडो के आकार के एग्जैक्ट उसी के हिसाब से फिट कर देती है पेज के अकॉर्डिंग आपकी स्लाइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कमांड स्लाइड में लिखे टेक्स्ट को स्वतः ठीक करता है। कुछ चीज़ें बिल्कुल
अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग ही दी गई हैं। ऑटो करेक्ट होता है जो ऑटोमेटिकली स्लाइड में लिखे टेक्स्ट को करेक्ट कर देगा, ठीक है, तो वो ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉन्ट का कौन सा प्रकार टाइटल तथा हेडलाइंस के लिए सबसे उपयुक्त है? तो मैंने बताया था जो फॉन्ट का ऑप्शन होता है उसमें कौन सा फॉन्ट होता है जो टाइटल्स और हेडलाइंस के लिए सबसे उपयुक्त होता है, तो वो होता है सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। सैंस सेरिफ फॉन्ट आपका ये टाइटल्स और हेडलाइन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हेडिंग का प्रयोग करने वाले वर्ड डॉक्यूमेंट को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इम्पोर्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो देखिए, मैंने ये क्वेश्चन सेम आपको पहले ही बताया था, इसी वीडियो में है, इसमें दिया हुआ है कि अगर आपको किसी और टाइप की फाइल इंसर्ट करनी है एमएस पावर पॉइंट में तो क्या करेंगे इम्पोर्ट करने के लिए। वही क्वेश्चन है कि अगर एमएस वर्ड की फाइल है वो भी किसी और टाइप की फाइल है उसको आपको एमएस पावर पॉइंट में इंसर्ट करना है या इम्पोर्ट करना है। सबसे पहले होम टैब है जिसमें बेसिक सारे फॉर्मेटिंग टूल्स दिए हुए हैं, उसमें इंसर्ट की बटन है, इंसर्ट पर क्लिक करना है। फिर स्लाइड की बटन है, स्लाइड पर जाना है। अब स्लाइड में स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन होगा क्योंकि आपको दूसरी तरह का डॉक्यूमेंट इम्पोर्ट करना है, एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट दूसरी टाइप का है, तो स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन पर क्लिक करोगे वहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके ट्रिपल सी के लिए इम्पॉर्टेंट है, यू पी सी एल का एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट, और जितने भी उसमें आपके बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, एमएस ऑफिस आता है, उसमें ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ही वीडियो मैं नेक्स्ट लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।